तो हाय फ्रेंड्स, अब हमारे हाथ में 2023 खत्म होने वाला है। आपने यहाँ पर देखा होगा 2023 द एंड, अब क्या करें। यदि आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है, 5 मिनट भी वक्त है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। यदि आप लोग इसको नहीं देखोगे तो शायद आपका जो 2023 है ना वो खत्म तो हो जाएगा, लेकिन जो 2024 है ना वो आपका अच्छा खासा नहीं चल सकता। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो पिक ओनली फॉर साहिल के टेक। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि 2023 खत्म होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, अब क्या करें 2024 जिससे हमारा अच्छा हो सके। तो भाई, आपने 2023 में बहुत सारे YouTube चैनल पे काम किया, बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन आपको उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों अब आपको करना क्या है, जैसा कि मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ, यदि आपका YouTube चैनल है, ठीक है, YouTube चैनल है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने इस पे वीडियोस बनाया है, इसमें कितने वीडियोस को आपने अपलोड किया होगा, 100 वीडियोस को आपने अपलोड किया होगा, 150 वीडियो को आपने अपलोड किया होगा, 200 वीडियोस को आपने अपलोड किया होगा, 500 वीडियोस को भी अपलोड किया होगा, किसी ने तो 1000 भी अपलोड कर दिए होंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। अब यहाँ पे आपको करना क्या, आपको यहाँ पे हल्का सा दिमाग लगाना, ध्यान से देखना है। जैसे कि आपका लगभग तो बहुत सारे लोगों का ना ऐसा होता है ना कि किसी के पास मल्टीपल यूट्यूब चैनल के होता ही होता है, किसी के पास ये नहीं कि एक ही यूट्यूब चैनल रहेगा, एक ही ये नहीं होता, किसी के पास 2 रहता है, किसी के पास 3 रहता है, किसी के पास 4 रहता है। तो आपके पास भी 2 लगभग मिनिमम मान रहा हूँ 2 यूट्यूब चैनल तो होगा ही होगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आपने वीडियोस भी अपलोड कर दिया है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे शुरू में समझाता हूँ जिससे आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आप अपने YT स्टूडियो पे जाओ, ठीक है, YT स्टूडियो पे जाओ। एंड YT स्टूडियो पे जाने के बाद अब आपको वहाँ पे चेक क्या करना है, आपको वहाँ पे वीडियोस के सेशन में चले जाना, ठीक है, वीडियोस के सेशन में चले जाना। एंड वीडियोस के सेशन पे जाने के बाद अब आपको वहाँ पे देखना है कि जो आपका वीडियोस है ना वो 1 day, 2 day, 3 day, 4 day इस प्रकार से यदि आपका है तो भाई आपको उस चैनल पे काम करना बनता है। चाहे 2023 खत्म होने वाला है, चाहे 2024 आने वाला है, या 2024 खत्म होने वाला है, यदि आपका वहाँ पर कंसिस्टेंसी है 1 day, 2 day, 3 day, 4 day तो आपको वहाँ पे काम करना बनता है। लेकिन दोस्तों इससे भी इम्पोर्टेंट बात, यदि आपका इस प्रकार से कंसिस्टेंसी है और आपके वीडियोज पे व्यूज नहीं आ रहे, ठीक है, आपके वीडियोज पे व्यूज नहीं आ रहे, YouTube पे कोई आता है ना तो सबसे बड़ा कठिन काम क्या रहता है ना, उसका व्यूज। 2024 में अगर आप लोग न्यू चैनल क्रिएट करोगे तो भाई वो भी सही है, यदि आपका ओल्ड चैनल है तो वो भी सही है। आपको ये नहीं करना कि 2024 आने वाला है तो एक न्यू चैनल बना लेना, यदि आपका चैनल नहीं है तो आप लोग न्यू चैनल बनाओ, यदि आपका पहले से ओल्ड चैनल है तो इसी पे काम करो, या ना कि दूसरा चैनल बना लो, आपको इसी पे काम करना है, ठीक है। आपको काम कैसे करना, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता होगा कि YouTube पे कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन को आपको बीट करने के लिए अब आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है VidIQ, ठीक है। VidIQ अगर आप लोग पास है तो उसे बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो इसे डाउनलोड कर लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई इसी से आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने वाले हो, इसी से आपको पता चलेगा जो मेरा कॉम्पिटिटर है ना वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा जो आपके लेवल का कॉम्पिटिटर है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, तब आपको काम करने में इंटरेस्ट हो जाएगा और आप उससे बेटर कर सकते हो। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, वीडियो पे मल्टीपल कैटेगरी आपको मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीपल
मल्टीपल कैटेगरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब आपको देखना कि आप कौन से कैटेगरी में काम कर रहे हो, जिस कैटेगरी में काम कर रहे हो उस कैटेगरी का आप लोग इंक्वायरी स्टार्ट कर दो कि कैटेगरी में कितने सारे लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं, कितने सारे यूट्यूब चैनल है, जिससे आपको हल्का सा नॉलेज होगा और उसका आप लोग एक लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट को आप लोग अब देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सारे बात, अगर आप लोग ये नहीं करोगे ना तो आप लोग नहीं काम कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर है ना वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं तब जाके वो आगे बढ़ रहे हैं, और आप दिन भर में एक वीडियो बना लोगे, बस एक वीडियो, तो आपका थोड़ी चलने वाला भाई, कुछ नहीं चलने वाला है। अगर आप लोग इस प्रकार से नोट्स बना के स्क्रिप्ट लिख के सही तरीके से नहीं काम करोगे ना तो आपको भी मजा नहीं आएगा, आपको भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा काम करने में, और जो आपका कॉम्पिटिटर है ना वो इस प्रकार से आपसे आगे बढ़ेगा, एकदम रॉकेट जैसे आगे बढ़ेगा, और आप लोग ऊपर से नीचे डाउन होते जाओगे। तो भाई आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करना, आपको एक पर्सनल कॉपी रखना है, ठीक है। पर्सनल कॉपी इसलिए रखने बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपका यूट्यूब का सारा काम है ना उस नोट कर दिया ना, आपको अच्छे से वहाँ पे ऐड करना है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि नहीं, जो ओल्ड चैनल पे व्यूज नहीं आ रहा है ना तो उसको बंद करो एंड नया चैनल ओपन करो। तो कोई नया चैनल ओपन मत करना, क्योंकि भाई यूट्यूब पे अगर आपने यूट्यूब चैनल ओपन किया है तो यूट्यूब को पता है कि आपका यूट्यूब चैनल है, लेकिन यूट्यूब आपको ग्रो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि भाई आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हो। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हो, लेकिन आप बोलोगे भाई मैं तो बना रहा हूँ, अब आपको खुद पता होगा कि आप कंसिस्टेंसी नहीं बना रहे हो, आप अच्छे तरीके से वीडियोस नहीं बना रहे हो, आपको खुद पता है, आपको खुद एनालाइज भी होगा, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको इग्नोर नहीं करना है। इसको कवर करूंगा, इन 5 पॉइंट्स पे आप लोग को ध्यान देना है एंड आपको देखना कि कर क्या रहे हो आप, और आप यहाँ पे गलती क्या कर रहे हो और आपको क्या नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे देखना कि आप कौन से फॉर्मेट पे वीडियोस बना रहे हो, लॉन्ग बना रहे हो या शॉर्ट बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे या शॉर्ट बना रहे, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में आपको देखना कि आप कौन से कैटेगरी में कौन से रेशियो में वीडियोस बना रहे हो। आपको यहाँ पे देखना आपका YTN स्टूडियो पे शो करेगा, जो आपका व्यूज है ना यहाँ पे इस प्रकार से शो करेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, एंड इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे रहेगा। यदि आपका यहाँ पे लॉन्ग रहेगा यानी कि आप लॉन्ग वीडियोस पे ज्यादा वीडियो बना रहे हो, एंड जो शॉर्ट रहेगा यानी मतलब कि आप शॉर्ट वीडियो पे ज्यादा वीडियोस बना रहे हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रेशियो निकाल लेना है, एंड आप जो दूसरा पॉइंट्स रहेगा उस पॉइंट्स को आपको कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको YTN स्टूडियो को चेक करना आना चाहिए, क्योंकि अब YTN स्टूडियो ना बहुत सारे लोग बस व्यूज देखते हैं और उसे बंद कर देते हैं। यदि आप लोग इसे चेक करना, इसे यूज करना जान जाओगे ना, आपको YouTube को चुटकी बना दोगे, चटनी बना दोगे, क्योंकि सारा खेल YTN स्टूडियो पे आपको मिलेगा। आपका वीडियोज है ना वो किस कैटेगरी में जा रहा है, किसके अंदर में जा रहा है, और कौन से व्यूअर्स हैं जो आपकी वीडियोज को देखना पसंद कर रहे हैं, और आपके जो व्यूअर्स है यूट्यूब के व्यूअर्स जो आपको सब्सक्राइब किए हैं वो क्या क्या वीडियोज देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये दो चीज हो गया, एंड जो तीसरा चीज ना वो आपका पता होगा, क्योंकि भाई आप YouTube बना रहे हो वीडियोस तो आपको खुद पता होगा कि आप किस प्रकार के वीडियोस बना रहे हो, आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जान पाएगा। यदि आप सही बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं अच्छा वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन आप अगर नहीं बना रहे हो तो आप बस फालतू को बोलोगे मैं तो अच्छा वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपको पहले एनालाइज करना, खुद का वीडियो खुद देख लेना एक दो बार, तब आपको समझ में आएगा कि मैं सही बना रहा हूँ। और आपको 2024 में क्या करना, ज्यादा से ज्यादा ना इफेक्ट ऐड करना, इसलिए इफेक्ट ऐड करने बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इफेक्ट आप लोग ऐड करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कोई चीज कि पेपर आ जाए तो पेपर आ जाएगा, कोई कैमरा आ जाए तो कैमरा आ जाएगा, इस प्रकार से आपको ऐड करना आना चाहिए, और इस प्रकार से अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए इस प्रकार से आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो चौथा पॉइंट रहेगा ना, वो चौथा पॉइंट्स क्या है आपका, वो थंबनेल सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट है ना वो आपका थंबनेल है। थंबनेल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि भाई थंबनेल के बिना जो आपका वीडियोस है ना वो वायरल होने का काफी हद तक चांस डाउन हो जाता है। थंबनेल से आपका CTR बढ़ता है, क्लिक थ्रू रेट, जिसे क्लिक थ्रू रेट भी कहते हैं, और CTR आपका बढ़ेगा तो यानी कि आपका वीडियोस वायरल होने का चांस बन सकता है। तो थंबनेल पे थोड़ा सा काम करो, थंबनेल पे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है ना थंबनेल बनाना आता नहीं, और सब बड़े बड़े यूट्यूबर को मैसेज करते हैं, मिलने चले आते हैं कि भाई मेरे को ये कर दो वो कर दो। भाई आप पहले सीखो, घर में सीखो, एक रूम में बैठ के सीखो, वीडियो एडिटिंग करना सीखो,
तब किसी के जाके आप लोग क्वेश्चन करो, कमेंट करो, पहले सीख लो। अरे किसी को आता नहीं थंबनेल बनाना और चले जाते हैं यूट्यूबर के पास कि मेरा ये कर दो, मेरा ये गलती है, मेरा वो हो रहा है, नहीं मेरा व्यूज नहीं आ रहा है। पहले आप इंप्रूव करो खुद को, तब होगा, ठीक है। एंड जो पांचवा पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इन सभी को देखते हुए आपको एनालाइज क्या हो रहा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा 2023 खत्म होने वाला है, अब क्या करें 2024 में, लॉन्ग या शॉर्ट वीडियो बनाए, YTS स्टूडियो किस प्रकार से आपको चलाना आना चाहिए, इफेक्ट आपको हर वीडियोस में डालना जरूरी हो जाएगा, एंड जो थंबनेल है वो आपको पता होगा। एंड जो सबसे पांचवा पॉइंट है ना, वो है अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट बेस। मैंने शुरू पे काम नहीं किया, शुरू पे इसलिए नहीं मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि भाई आपका जो चैनल है ना वो चैनल आपके इंटरेस्ट के बेस्ड में होगा शायद, क्योंकि भाई मेरा भी चैनल है मेरे इंटरेस्ट के बेस में रहता है। यूट्यूब पे यूट्यूबर्स आते हैं ना, शुरू से आते हैं तो वो नॉर्मल लो लेवल के यूट्यूबर आते हैं, वो आते हैं और आने के बाद ये ना कि एक ही कैटेगरी में वो महारत हासिल कर लेते हैं। कोई एक कैटेगरी, कोई कॉमेडी कैटेगरी में आता है, कोई टेक कैटेगरी में आता है, कोई फाइनेंस कैटेगरी में आता है, कोई एजुकेशन कैटेगरी में आता है, कोई स्पोर्ट कैटेगरी में आता है, कोई न्यूज कैटेगरी में आता है, कोई म्यूजिक कैटेगरी में आता है, इन सभी कैटेगरीज में आता है। और इन सभी कोई कोई कैटेगरीज में काम करते करते भटकते 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 तब जाके कोई एक कैटेगरी उसको मिलता है और उस कैटेगरी में वो काम करना स्टार्ट करता है और उस कैटेगरी में वो महारत हासिल कर लेता है, ठीक है। भाई मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप 100% एक्यूरेट लग जाओगे, तो आप भी कुछ इसी प्रकार से भटकोगे। पहले पांचवा जो पॉइंट थी ना वो आपको मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि पांचवा पॉइंट आपको खुद मिल जाएगा, बस आपको काम करना है यूट्यूब में। क्योंकि भाई पांचवा पॉइंट थी ना वो किसी को मिलता नहीं, वो खुद आ जाता है करते करते यूट्यूब पे, काम करते करते वो खुद जान जाता है पांचवा पॉइंट क्या है, ठीक है। तो भाई पांचवा पॉइंट आपको मिल जाएगा, आपको बस काम करना है यूट्यूब पे और आपका जो चैनल का कैटेगरी ना उसको काम करते रहो। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप खुद पता है कि आप यूट्यूब चैनल चेंज ही कर दोगे, कैटेगरी चेंज कर दोगे और कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा कैटेगरी जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा और जो आपका टैलेंट रह जाएगा, तो पांचवा आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इन सभी पांच पॉइंट्स को आप लोग क्लियर कर लोगे और फॉलो कर लोगे तो भाई आपका 2023 तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको दिसंबर में क्या करना है ना, आपको 5 दिन क्या लगाना, 5 दिन YouTube के बारे में सीखने में लगाना, YouTube के बारे में, YouTube में क्या होता है, कैसे होता है, अगर आप लोग न्यू यूट्यूबर न्यू यूजर्स हो तो आपको सीखने में लगाना 5 दिन। एंड जो कम से कम आपका 10 दिन है ना वो 10 दिन आपको वीडियोज पे लगाना कि वीडियोज कैसे बनता है, कैसे क्या क्या होता है, ये 10 दिन आपको लगाना है बस वीडियोज को जानने के लिए, पहचानने के लिए, सीखने के लिए। 10 दिन आपको लगाना थंबनेल बनाने में, थंबनेल को किस प्रकार से बनाना, थंबनेल को कैसे एडिट करना है, थंबनेल को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, तो 10 दिन आपको थंबनेल बनाने में लेना है। एंड जो अब बचाया 10-10, 20 दिन और 5-25 दिन, एंड ये 25 दिन तो कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है 5 दिन हल्का रेस्ट करना है, ठीक है। सभी को करने से पहले आपको सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, यदि है सही है, अगर नहीं है तो आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना है और इन सभी को फॉलो करना है। एंड 5 दिन आपको रेस्ट करना है, 5 दिन रेस्ट करना, हल्का सा फ्री माइंड में रहना है। एंड जो आने वाला है 1 जनवरी से आप लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दोगे और आप लोग चैलेंज लोगे कि मैं लगभग 90 दिन का चैलेंज लेता हूं और 90 दिन में हम 100% बता रहा हूं कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। अपने आप से ये प्रण लेना, अपने आप से ये वादा करना है और 90 दिन लगातार वीडियोस को अपलोड करना है। इन सभी को आप लोग टॉपिक को फॉलो करोगे तो भाई मैं आपको 100% बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं पीछे कर सकता है, आप लोग जरूर बन जाओगे। तो भाई आप लोग को आई होप आप लोग आज का वीडियो पसंद आएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।